कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। क्या बदले की आग में जलती रूहें हर पल शिकार ढूंढा करती हैं? क्यों? और क्या हम में से कोई भी उनका शिकार बन सकता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग अनजाने ही इन रूहों की ओर खिंचे चले आते हैं, एक अनजाने अनचाहे पाश में बंधे हुए, जहां खौफ उनकी ओर बढ़ रहा होता है, बिल्कुल दबे पांव किसी बिल्ली की तरह। आज हमारे साथ हैं मुंबई से प्राची शाह, और वो हमें सुनाएंगी अपने साथ घटी एक सच्ची घटना, जब वो बड़ी मुश्किल से खौफ के अनजान खो से बच सकी। शायद मैं फिल्म एक्ट्रेस बनने के लिए नई नई मुंबई आई थी। मुझे जल्द ही अपने रहने का इंतजाम भी करना था। उस समय मैं अपनी दोस्त के साथ रह रही थी, लेकिन मैं कब तक यूं ही उस पर बोझ बनी रहती? मुझे अपने लिए जल्दी से घर ढूंढना था, तो इसलिए मैंने एक एस्टेट एजेंट से बात की। वो मुझे जितने भी घर दिखाता, या तो वो मुझे पसंद नहीं आते या वो मेरी पॉकेट से बाहर होते थे। और एक दिन वो मुझे एक कॉटेज दिखाने ले गया। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। समंदर के पास नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ क्या कॉटेज है। और ये आपके रेंज में भी है मैडम। रियली? इसका एक रूम मिल जाए तो। रूम नहीं मैडम, पूरा कॉटेज। क्या, आर यू जोकिंग? इतना शानदार कॉटेज? हाँ हाँ बिल्कुल मैडम, और रेंट भी सिर्फ 12,000 रूपए बस। इतने में तो वन रूम किचन भी नहीं मिलता है, और आप कह रहे हैं कि ये पूरा कॉटेज? अरे मैडम, आपको जो चाहिए उससे अच्छा मिल रहा है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? नो, व्हाट प्रॉब्लम कैन आई हैव? बट और हाँ मैडम, यहाँ शांता ताई है, यहाँ की केयर टेकर, वो साफ सफाई सब देख लेगी। और उनका पेमेंट क्या होगा? कुछ नहीं मैडम, आपको सेफ रेंट देना होगा बस। आई वॉज शॉक टू हियर दैट, पर कॉटेज शानदार था, सो आई वॉज फाइन। पर एक शॉक मुझे शांता ताई ने भी दिया। कोई नल नहीं खोलने का, पानी नहीं आता उनमें, तुमको जितना भी पानी मांगता है मैं बाहर से भर के लाकर देगी। और मैंने नोटिस किया कि वो अक्सर चेक किया करती थी कि कहीं मैंने किसी नल से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की। पर एक रात मेरी नींद किसी आवाज से खुली। कैसी आवाज है? पानी कहां से टपक रहा है? सारे नल तो सूखे पड़े हैं। और एक नहीं, ये हर रात का सिलसिला था। मैं घंटों ढूंढती थी कि आखिर ये पानी टपक कहां से रहा है। और एक दिन मुझे लगा कि हो ना हो ये आवाज लॉबी की ओर से आती है, वो लॉबी जो कॉटेज को मेन एंट्रेंस से जोड़ती थी। पर वो लॉबी बाहर और अंदर दोनों ओर से बंद रहती थी। जो मेन एंट्रेंस था वो अंदर से बंद था और बाहर वाले डोर पर लॉक लगा रहता था, इसलिए हम कॉटेज में आने जाने के लिए बैक डोर यूज करते थे। इट वॉज स्ट्रेंज, बट यही शांता ताई का रूल था। और एक दिन मैंने शांता ताई से पूछ ही लिया, ताई ये लॉबी बंद क्यों है? तुमको क्या लेना है उससे? बंद है तो बंद है, पिछले दरवाजे से आने में प्रॉब्लम है तो छोड़ के जाओ, नहीं मांगता है मेरे को मच मच। हाँ, आई वॉज शॉक्ड। वो तो वैसे भी इतना कम बोला करती थी, और आज जब बोली तो ऐसे, बट शी वॉज रूड यू नो। पर मैं भी ऐसी हूँ कि जो ठान लेती हूँ ना वो करके ही रहती हूँ। मैंने उसी मोमेंट डिसाइड कर लिया कि इसके पीछे जो भी रीजन है मैं पता लगा के रहूंगी। उस रात करीबन 12 बजे होंगे, मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी। मैं धीरे से उठी और लॉबी के पास जा ही रही थी कि अचानक मेरे पैर से कुछ टकराया और मैं गिर गई।
और अगले ही पल जैसे किसी ने मुझे पीछे से खींचा, जैसे ही मैं पलटी, वो दो हाथ थे, बॉडी नहीं थी, सिर्फ मेहंदी लगे दो हाथ, जैसे 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 वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं चीख कर अपने रूम की ओर भागी। अभी मैं डर से उबर ही पाई थी कि लगा जैसे कोई रूम की ओर आ रहा है। मैं बुरी तरह डर गई थी। पर वो शांता ताई थी। क्या हुआ, क्या किया तुमने? उधर लॉबी के साइड गई, मैंने मना किया था ना तुमको? नहीं नहीं ताई, मैं तो यूं ही बस। अब भी खाली करो कॉटेज, अभी के अभी। सॉरी ताई, मैं उधर ऐसे ही नहीं गई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे पानी की आवाज आ रही थी। पानी का कमी है तुमको, अभी रात में नहाने का है। नहीं ताई, सॉरी, आई प्रॉमिस ताई, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं लास्ट टाइम बोल देती है, उधर नहीं जाने का तो नहीं जाने का, समझे? उस पल तो मैं बहुत डर गई थी, पर हूं मैं बहुत मजबूत दिल वाली, और उस दिन के बाद तो मैं और भी जानने को बेताब थी कि उस लॉबी में क्या है, और उन मेहंदी वाले हाथों का और उस लॉबी का कनेक्शन क्या है, वो मुझे वहां जाने से क्यों रोक रहे थे। और फिर दो तीन रातों के बाद मुझे क्या पता था कि मैं किस मुश्किल में पड़ने वाली हूं। मैं बेड से उठी और इस बार और भी दबे पांव लॉबी तक पहुंची। मैं जब भी रात को कभी अपने रिहर्सल से लेट आया करती थी तो पापा के डर से घर का लॉक अपनी हेयरपिन से खोला करती थी और चुपके से जाकर बेड पर सो जाया करती थी। आज फिर वही हेयरपिन काम आई। कुछ देर कोशिश की कि लॉक खुल जाए, और लॉक जैसे ही खुला वो गिरते गिरते बच गया। शिट, अभी आने वाली थी शांता दाई। खैर, मैंने धीरे से लॉक फर्श पर रखा और डोर पुश किया। सामने बड़ी सी लॉबी थी और वहां एक रूम था जहां से लाइट की स्पेल आ रही थी। अजीब जगह थी, बिल्कुल भूतिया। इक्का दुक्का फर्नीचर बिखरे पड़े थे और बरसों पुराने जाले। जाल हटाते हटाते मेरे पूरे बदन में मकड़ियां चढ़ गई थी। फंस गई। फिर वही पानी की बूंदों की आवाज, टप टप टप। और तभी मुझे हल्की सी रोशनी में सामने मेन डोर के ऊपर से पानी रास्ता दिखाई दिया। यही थी वो आवाज, पर ये पानी आ कहां से रहा है? बाहर तो ऐसा कुछ नहीं था। और जैसे ही मैंने लैच खोला, मानो डोर अनबोल्ट हो गया। मैंने कितनी कोशिश की, पर पानी का ऐसा फोर्स था कि मुझे लगा मैं डूब जाऊंगी। और तभी जाने कहां से वही दो हाथ आए और उन्होंने मुझे पानी से खींचकर बाहर फेंक दिया। और अगले ही पल मैं लॉन में पड़ी थी। पेट में पानी जाने से मैं बुरी तरह खांस रही थी और सांस अगर उन हाथों ने मुझे ना बचाया होता तो। और तभी शांता ताई भागी भागी उधर आई। क्या हुआ, क्या हुआ तेरे को आधी रात को यहाँ? ताई, मैं डूब गई थी ताई। डूब गई थी? वहाँ पानी। कहाँ है पानी? लॉबी में। लॉबी तो बंद है, देखो, और पानी होता तो तेरे कपड़े नहीं भीगते। I was shocked. मेरे कपड़े बिल्कुल सूखे थे, मेन डोर अभी भी बंद था, और
पानी का तो जैसे नामो निशानी नहीं था वहाँ। सपने में चलने की बीमारी है तेरे को, चल चल के सो जा। वो मुझे सहारा देके कमरे तक ले गई और बिस्तर पर लिटा दिया, पर नींद कहाँ आने वाली थी। रात भर मेरी आंखों के सामने वही सीन घूम रहा था, वही लॉबी, वही पानी का सैलाब और वही मेहंदी लगे छोटे छोटे हाथ जिन्होंने मुझे बचाया। फिर अगले दिन बुखार में तप रही थी मैं, जाने कितने दिन वो फीवर उतरा ही नहीं। और जब बुखार उतरा तो सबसे पहले मैं घर से निकलकर गांव वालों के पास गई, और जो उन्होंने मुझे बताया आई कुडंट बिलीव दैट। उधर कॉटेज में एक फैमिली रहता था, उनका एक छोटा बेटी था बहुत प्यारा। उस दिन मुंबई में बाढ़ वाला ही दिन था, बाकी जगह का न्यूज आ रहा था पर यहाँ इतना खास पानी नहीं भरा था। वो बच्ची हमारा आंगन में ही खेल रहा था, मेरा औरत ने उसका हाथों में मेहंदी लगाया तो इतना खुश हुआ कि दोनों हाथ अपना ऊपर ही रखा तो मेहंदी खराब ना हो जाए बोल के। जिंदगी में पहली बार मेहंदी लगाया था उसने, बहुत खुश था, खुशी से नाचते गाते अपने घर गया उधर कॉटेज में। ये मेहंदी मेहंदी मेहंदी, देखो मेरे हाथों में मेहंदी है। पर कुछ ही घंटे में समंदर में टाइड आ गया तो अचानक पानी बहुत बढ़ गया कॉटेज की ओर, हम लोग बड़ी मुश्किल से उधर पहुंचा। अरे जल्दी आओ, कॉटेज में पानी भरेगा तो सब डूब जाएंगे, जल्दी आओ। हाँ हाँ चलो, सब चलो उधर। हम सब बैक साइड से कॉटेज में पहुंचा, वहाँ हाथ हाथ भर पानी आ चुका था, सब लोग डरा हुआ था पर बच्ची बेचारा मेहंदी वाला हाथ उठा के पानी में ही खड़ा था। उस मासूम को सिर्फ अपना मेहंदी का फिक्र था। आई आई शांता ताई, मेरी मेहंदी ये बह जाएगी, मेहंदी बह जाएगी आई। और तभी किसी ने जान बचाने के लिए कॉटेज का बाहर का मेन दरवाजा खोला और ऐसा सैलाब आया कि कुछ नहीं बचा। हमको बस उस बच्ची का आवाज सुनाई दिया और कभी कभी मेहंदी वाला उसका हाथ। तो क्या पूरा परिवार खत्म हो गया? हाँ सब खलास, कुछ गांव वाला भी बह गया उधर। फिर शांता ताई कैसे बची? वो तो अभी भी केयर टेकर है ना कॉटेज में। कुछ पता नहीं कैसे बचा या बचा भी या क्या। क्या मतलब? कुछ गांव वाला देखा बोलता है वो शांता का बॉडी बहते हुआ कचरे के साथ, 4 दिन का डेड बॉडी था, कैसे जिंदा हो गया क्या पता। What? कुछ घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटती हैं, फिर भी हम उन पर यकीन नहीं कर पाते। प्राची ने भी जो देखा वो उस पर यकीन नहीं कर सकी। अगर मेहंदी लगे हाथों वाली बच्ची एक रूह थी तो कॉटेज की केयरटेकर शांता क्या थी? गांव वालों ने तो उसे कुछ साल पहले आए बाढ़ में बहते हुए देखा था और प्राची ने अपने साथ रहते हुए एक बिल्कुल जीते जागते इंसान की तरह। और वो एस्टेट एजेंट जो प्राची को उस कॉटेज में लाया था, उसका प्राची को वहां लाने का मकसद क्या था? सोचिए, क्योंकि मैं भी तैयार रहूंगा आपके लिए एक नई घटना लेकर, जिसे सुनकर प्राची की तरह आप भी कह पड़ेंगे।